हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइज़, आज की वीडियो में फिर बात करने वाले हैं दिल्ली सिविल डिफेंस के पीसीसी के रिगार्डिंग। जो भी आपके इंपॉर्टेंट डाउट्स होते हैं वो क्या क्या हैं और उनको उसका कैसे हम इसको सॉल्यूशन देंगे, इस वीडियो में उस पर बात करेंगे। तो गाइज़, लास्ट वीडियो में जब हमने दिल्ली सिविल डिफेंस की बात की थी, हमने आपको बताया था कि उसका पीसीसी का फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, स्टेप बाई स्टेप हमने आपको समझाया था अपनी लास्ट वीडियो में। तो गाइस, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप पीसीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले वीडियो की शुरुआत करूँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है वेबसाइट पे, वो हम पहले पढ़ देते हैं। कोरोना से जीत होगी पूरी जब हम अपनाएंगे सैनिटाइज़र, मास्क और दूरी। देखिए गाइस, सही चीज़ इन्होंने बहुत लिखी है यहाँ पे, क्योंकि कोरोना से जीत होने के लिए आपके पास तीन चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, सैनिटाइज़र, मास्क और 2 गज की दूरी। जैसा कि आप जानते हैं है बहुत ज़रूरी, और वही बात है गाइस, तब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप बस अपने ध्यान में रखें और तभी आप कोरोना से सुरक्षित रह पाएंगे, ठीक है। तो वैसे देखिए, पीसीसी है ना, जैसा कि आप जानते हैं, इसके लिए अप्लाई करने के बाद आपके मन में भी सबसे बड़ा यही डाउट होता है कितने दिनों में पास होती है। वेबसाइट पे तो 21 दिन बता रखा है, ठीक है इन्होंने, लेकिन गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमने भी अप्लाई करा था, जब हमने एक लड़के का जब हमने आपको फॉर्म भर के बताया था उसमें, ठीक है गाइस। तो 26 से 27 दिन बाद आज पीसीसी उसकी भी क्लियर हो गई है, ठीक है। और गाइस, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ ये पीसीसी कैसे कंप्लीट होती है, तो 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले आपका आता है पी, फिर आपका आता है यू, फिर आपका आता है सी, ठीक है गाइस। पी का मतलब पेंडिंग में रहती है आपकी, 15 से 18 दिन आपकी पेंडिंग में रहती है। फिर आपका गाइस आता है यू, यानी कि अंडर प्रोसेस चली जाती है। फिर आपकी 20 दिन तक, मान लीजिए 20 दिन आते आते अंडर प्रोसेस हो जाती है। उसके बाद गाइस क्या होती है आपकी, ये कंप्लीट हो जाती है आपकी पीसीसी, ठीक है गाइस। 21वें दिन पे आते आते आपकी पीसीसी रंग से जाके थोड़ी कंप्लीट होती है, और 26वें दिन को जब आप अपना चेक करेंगे, 26वें दिन पे आपको देखने को मिलेगा कि आपकी पीसीसी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब आप उसको डाउनलोड करने का लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। और पीसीसी के रिगार्डिंग ही यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, हम उन्हें डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले एफएक्यूज़ आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस, इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आखिर में आपको ये भी दिखाऊंगा कि पीसीसी आपकी दिखती कैसे है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, वाई दिस एप्लीकेशन हैज़ बीन डिवेलप्ड, वाई दिस एप्लीकेशन हैज़ बीन डिवेलप्ड। दूसरे में इन्होंने पूछा, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर पीसीसी। तो ये तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था। यहाँ पे इन्होंने डूज और डोंट्स बताए हैं। अगर आप क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है पीसीसी के अप्लाई करने के लिए, तो 250 रुपये इसकी फीस जाती है, ठीक है गाइस। व्हाट हैपन्स आफ्टर आई सबमिट माय इंफॉर्मेशन, ठीक है गाइस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीसी नंबर, ये 6वां क्वेश्चन आपका। व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर पीसीसी, आई हैव नॉट रिसीव, 8वां क्वेश्चन, आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ईमेल कन्फर्मेशन इवन थो आई हैव सबमिटेड माई रिपोर्ट। तो गाइस, इन्होंने इस क्वेश्चन में ये बताया गया, देखिए इनको कोई भी कंफर्मेशन का ईमेल नहीं आया उन, लेकिन उनका पीसीसी कंप्लीट हो चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक आ चुका है, लेकिन इनको कोई मेल नहीं आया कि उनकी पीसीसी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि मेल हर बार आता है जिनका भी, मतलब जो भी अप्लाई करते हैं। व्हाट आर द मैंडेटरी फील्ड इन द फॉर्म, ठीक है गाइस। और आखिर में आपका क्या गाइस, अगर जो भी दिल्ली से बाहर रहते हैं क्या वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ वो भी इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली कि पीसीसी के लिए, ठीक है गाइज। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आउटसाइड से आप इस वीडियो को देख रहे हैं दिल्ली के, तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइज, दिल्ली की पीसीसी के लिए। तो गाइज, ये आपकी पीसीसी है, देखिए जब वो बन के आ जाती है वो कैसी दिखती है। ऊपर आपका नाम, जहाँ पे भी कलर चला रखा है वहाँ पे गाइज आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दे रखी है, जैसे कि आपका नाम, आपकी फ़ोटो, आपका एड्रेस, आपका होम एड्रेस, ठीक है गाइज। इसीलिए वो चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकता, बाकी आप देख सकते हैं नीचे तक आपकी पूरी जो पीसीसी है वो ऐसी ही दिखती है। यहाँ पे भी वही लाइन दे रखी है, आखिर में कोरोना से जीत होगी पूरी जब अपनाएंगे मास्क, सैनिटाइज़र और दूरी, ठीक है। तो गाइज, ये आपकी पूरी पीसीसी आप देख पा रहे हैं, पूरी कंप्लीट होने के बाद ये ऐसी दिखती है, ठीक है। तो गाइज, अब आ जाते हैं मेन बात पे। अगर आपको गाइज ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दो। कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और गाइज कमेंट में हमें एक चीज़ बताना ना भूलें, अगर अब आपको दिल्ली सिविल डिफेंस के ऑफिशियल फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।